जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, जय बोलो जी। हाँ जी प्रभु जी, जय बोलो जी। प्रभु कोई निकले पता लगा है कि नहीं किसी चीज का? नहीं प्रभु जी, अभी श्राइन बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। जैसे ही मीटिंग होगी, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कब होगी मेरे? सर कोई पता नहीं किसी को उसके बारे में। आज होनी थी, पक्का है कि नहीं? अभी आज होनी थी, कोई कह रहा शनिवार को होनी थी, कोई कह रहा सोमवार को होनी थी, किसी को भी पता नहीं। एक्चुअली जो है ना, जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको भी मालूम नहीं है, जो वहाँ पे कॉल उठाते हैं। बड़े लेवल की बात है, मीटिंग हो चुकी है या नहीं हुई है या क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। वो यही कह रहे हैं आप हमारी वेबसाइट पे चेक कीजिए, जैसे कोई अपडेट आएगा हम वेबसाइट पे डालेंगे और टीवी चैनल पे भी आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, थोड़ा इंतजार करें और जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। व्हाट्सएप पे है ना आप मेरे साथ? कल एक कॉल आपकी आई थी ना, तो उसमें बोल रहे थे कि यात्रा होगी या वैसे होगी। हाँ यात्रा होगी। वो सर ऐसा है कि तैयारियां हो रही हैं, घोड़े वालों को बोल दिया गया, वहाँ पे जो टेंट वाले हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, तो यही लग रहा है कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन जब तक श्राइन बोर्ड नहीं कहेगा जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यार वो न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि नहीं होगी, कोई कह रहा है होगी, लेकिन श्राइन बोर्ड एक बार ये न्यूज दे देना कि यात्रा होगी और ये रहेगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो हर बंदा अपनी तैयारी करेगा। तो फॉर्म फॉर्म बन जाएंगे इतनी जल्दी? अब ये पता नहीं सर उनकी कंडीशन क्या रहेगी, क्या वहाँ पे बंदों को बुला के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं या बैंकों में खोलें या पासपोर्ट जैसे जम्मू में होता था वो करें, वो तैयारी उनको करनी है। पर जितना दिल्ली लंगर वालों से बात की ना, हाँ जी हाँ जी, दिल्ली लंगर वालों से बात की हमने, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो डेट है ना फॉर्म की, वो आगे जाकर पाएंगे, फिर दोबारा पड़ेगी। हो सकता है ऐसा भी ना, मैं इस बारे में मतलब ये बातें तो बहुत सारा कह रही, मेरे पास भी दिन भर में इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं, तो बताने का फायदा नहीं ना। मैं तो चाहता हूँ कि जो श्राइन बोर्ड बताए वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो बातें आ रही हैं इनमें से हो सकता है कुछ बातें सही भी हों, तो 100 बातें हम सुनेंगे तो 20 बातें सही भी हों, पर मैं आपको पूरा दिन 100 बातें बताता रहूं उसका मजा नहीं है ना प्रभु जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे बढ़िया यही है कि हम सब इंतजार करें जब तक श्राइन बोर्ड का कोई डिसीजन नहीं आता है, और जैसे श्राइन बोर्ड का डिसीजन आएगा फिर हम अपनी यात्रा की तैयारी करें, है ना। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।